मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल अधीक्षक को मिली जान से मारने की धमकी, एफआईआर दर्ज। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल के अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली। जेल अधीक्षक की तहरीर में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल के अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली। सीयूज नंबर पर जान से मारने की धमकी मिली। अज्ञात व्यक्ति ने जेल अधीक्षक के मोबाइल नंबर में फ़ोन करके धमकी दी। जेल अधीक्षक की तहरीर में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। बांदा मंडल कारागार में ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी कैद था। पुलिस ने धमकी देने वाले नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग सहित जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दो दिन पहले ही जनपद बांदा के कई अलाधिकारी तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्तार संबंधी हर एक बिंदु को जांच करने मंडल कारागार पहुंचे थे। दर मुख्तार के दिल और विसरा की जाँच लखनऊ में होगी। मुख्तार का दिल और विसरा लखनऊ फॉरेंसिक लैब भेजा गया। ब्लड क्लाटिंग के चलते दिल का कुछ हिस्सा पीला पड़ गया था। पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आई है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने अजीब दावा करते हुए कहा है कि जांच के लिए उनका बिस्तर रिवीजर हुआ है। मुख्तार का शव इस तरह दफन किया गया है कि 20 साल बाद भी परीक्षण हो सकता है। अफजाल ने यह भी कहा, सरकार समझ रही है कि मुख्तार अंसारी की कहानी का दी एंड कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहानी अब शुरू होगी। ये सही है कि मुख्तार अब दुनिया में नहीं रहे। जो राजधर्म है उनकी हत्या हुई है, कोई इसे बहादुरी माने तो अलग बात है। डॉक्टर, जेल प्रशासन, LIU, STF ने वेल वार्डन उनका मर्डर किया है। किसी की औकात का पता उसकी अंतिम यात्रा से चलता है।